जगह रखा है साहब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधे श्याम है साहब। कहाँ रहते हो? बिहार मान नंगला और शेर थाना हजरत नगर। क्या हुआ है जो जिला अधिकारी गेट पे बैठे हुए हैं आप? जी साहब, शेरपुर में हमारी जमीन है साहब, उस पर प्रेम संघ वो दिनेश अग्रवाल ने कब्जा कर रखा है साहब। दिनेश अग्रवाल कौन है? लखीमपुर खीरी का साहब, वो गैराज बना रहा था उसमें मोटर वो कारों का। जमीन कितनी है आपकी? जमीन साहब हमारी है 1.5 बीघा है, 4.5 बीघा थी जमीन सब। जी साहब, तो उसमें 1.5 बीघा हमारे हिस्से में थी, उस पर भी उसने कब्जा कर लिया। गए साहब तो जान से मारने की धमकी दे रहा है साहब, और सब जगह मुख्यमंत्री जी को भी डराया दरकार लखनऊ में, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपने साहब को जिलाधिकारी महोदय को शिकायत किया? हाँ किया साहब, 3 बार जिलाधिकारी साहब से मिल चुके हैं, पर साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई है। IDM साहब और तहसीलदार साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। शिकायत किया थाने में भी गए साहब, थाने वाले बोले कि प्रशासन के पास जाइए, तो साहब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की साहब। हम तो मरे जा रहे हैं साहब, हमारी बहुत कीमती की जमीन साहब सब कब्जा कर ली साहब। रात तो आप क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं साहब उसका काम रुकवाया जाए साहब, निर्माण कार्य उसने जारी कर रखा है। चालू कर दिया? हाँ साहब, 500 आदमी काम कर रहे हैं साहब उसमें। हाँ तो कोई सुन नहीं रहा आप? कोई नहीं सुन रहा साहब, हम तो साहब बहुत परेशान हैं साहब। हम रिटायर कर्मचारी हैं साहब, हमारे हम अमीन से रिटायर हैं साहब, 6 साल हो गए साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है साहब, हम बहुत ही परेशान हैं साहब। कोई जमीन थी हमारी साहब, रोजी रोटी थी साहब, कुछ खेती की थी साहब। अब वो कह रहे हैं कि ये शहरी घोषित हो गई है, इसलिए हम वो जो है वो साहब बता रहे हैं, आप पट्टी पढ़ा के भेज दे रहे हैं साहब, साहब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप धरना बैठे, आप बैठे बैठ हो जाए, आपको बैठने आराम से बैठ जाए। मैं मान कर बैठ रहा धरने पर।